हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दो पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं एंड वो जो शेयर है कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ है कोविड से रिलेटेड ही। और मुझे लगता है कि देखिए अभी तो भागे ही भागे हैं बट आगे चल के और भाग सकते हैं क्योंकि जिस सेक्टर में वो काम करते हैं वो बिज़नेस भी काफ़ी ग्रोइंग बिज़नेस है। तो आइए उसे जान लेते हैं क्या बिज़नेस है और उन्हीं के दो दिग्गज शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। तो बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज कल की डेट में यहाँ पर आपको दो वीडियो मिलेगी। ओके, 77 रुपीज़ का एक स्टॉक है उससे रिलेटेड, अगर बात करें जेपी पावर वेंचर उससे रिलेटेड 3 रुपये का शेयर है उससे रिलेटेड आपको हमने वीडियो बना के पेश करी है। बाकी कोविड की सिचुएशन है तो आप आसपास के लोगों की अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। बाकी एक ये चैरिटी के लिए यहाँ पर लिंक है, ये एक पीएम केयर फंड, एज वेल एज अगर बात की जाए यहाँ पर अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिन दो शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले अगर बात करें तो फ्राइडे के दिन 11.08% की यहाँ पर जंप देखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर दूसरे एक और दूसरे शेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेयर में भी अच्छी खासी जंप आप देख सकते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा जंप किया था फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ गया था, बट स्टिल देखेंगे तो 1.21% की जंप यहाँ पर इस शेयर में भी देखी गई है। तो दोनों शेयर किस बिज़नेस में करते क्या करते हैं उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, बट पहले शेयर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो अगर बात करते हैं 177 रुपीज़ का ये शेयर है और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो आपके सामने है ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा इस बात को सोचिएगा कि ये जिस तरीके की वॉलीटिलिटी आपको दिख रही है तो उस वॉलीटिलिटी का सामना आपको हमेशा करना पड़ सकता है। बाकी कंपनी करती क्या है आपको अभी पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बिज़नेस काफ़ी दमदार बिज़नेस है। एज वेल एज अगर हम यहाँ पर देखते हैं जब अगर पेंडामिक की बात करते हैं तो पेंडामिक से पहले 49 रुपीज़ के आसपास का शेयर चलता था और अच्छा खासा भागा था 191, फिर इसका थोड़ी बहुत गिरावट और दोबारा उसी रफ्तार से भागता हुआ ये नज़र आ रहा है। तो इस लेवल को ये शायद बहुत जल्दी क्रॉस करने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 47 रुपीज़ का लोएस्ट है और 200 रुपीज़ तक 15 फरवरी 2021 को यहाँ पर हाईएस्ट गया था 52 वीक। अगर बात करते हैं लगभग 5,89,335 शेयर यहाँ डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग। और अगर बात करते हैं कंपनी डिविडेंड भी पे करना जानती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड। और अगर हम बाईबैक देखिए कंपनी ने 2020 में आई थिंक दो बार बाईबैक लेके आए सितंबर में दिसंबर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी हम यहाँ पर देखें कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। तो कंपनी करती क्या है और कंपनी का बिजनेस क्या है और बात करते हैं कि क्या ऐसा है, तो देखिए ये कंपनी का नाम है हैंडवेयर। कंपनी करती क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये वाटर क्लोजर ओके, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो वाटर क्लोजर, वॉश बेसिन ओके, सिरेमिक यूरिनल बाथ टब, मतलब किचन से रिलेटेड जितना भी सामान है वो बनाती हुई नज़र आती है। अब कहेंगे इसका उससे क्या रिलेशन है कोविड से, तो यहाँ पर अभी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉसेट से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नज़र आती है ओके, वैनिटी सीरीज शावर इंक्लोजर। तो ये कंपनी एक्चुअली अगर बात की जाए तो ये प्लास्टिक अगर बात की जाए ग्लास के यहाँ पर कंटेनर बनाती हुई नज़र आती है। और ग्लास के कंटेनर बनाती हुई नज़र आती है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो वैक्सीन जो आपको आती है या फिर आप देखेंगे इंजेक्शन आप लगाते हैं तो वो लिक्विड जिसमें भरा जाता है वो कंपनी ये बनाती हुई नज़र आती है। तो इन दो कंपनियों को अच्छा खासा ऑर्डर उन कोविड की जो कंपनीज़ है जैसे कि हम बात करें भारत बायोटेक एज वेल एज एस्ट्राजेनेका, तो इन कंपनियों से अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हुए नज़र आए हैं ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो शेयर है भागते हुए नज़र आते हुए हमें दिखाई दिए। तो इसलिए इन जो शेयरों की तरफ आपको नज़रें रखनी है और ये शेयर भागता हुआ नज़र आएगा। तो पहला शेयर कौन सा है, हैंडवेयर ओके, इसके बारे में और देखेंगे। बट अगर दूसरे शेयर की और बात करें यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 5,18,000 शेयर लगभग सेम क्वान्टिटी में शेयर उठाते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सेम अगर डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है कंपनी अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देखते हैं मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इस कंपनी को क्योंकि ये आई थिंक सेपरेट हुई थी, डी मर्जर हुआ था ऐसा कुछ शायद इस कंपनी के साथ हुआ है। तो उसी लेवल पर ये अभी भी ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है और कब जुलाई 2020 में ये कंपनी आती, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी
बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि अभी नई नई कंपनी यहाँ पर सेपरेट होती हुई नजर आई है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम बोरोसिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैब से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो जिस प्रोडक्ट मतलब मैं आपको बात कर रहा था कि प्लास्टिक के मतलब जो ग्लास के जो चीज़ें हैं जिसमें ये वैक्सीन रखी जाती है लिक्विड फॉर्म में, उसमें ये कंपनी का मतलब वो बनाती हुई नज़र आती है। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर, मतलब सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर कंपनीज भी यही है इंडिया, और वो भी इंडिया की नंबर वन। तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है ज़्यादा, और आप बेशक से हैंडवेयर ज़्यादा भागा है बट इसकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी ये डिनर सेट्स वगैरह यहाँ पर बनाती हुई नज़र आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल्स से रिलेटेड मतलब लैब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है तो ये कंपनी बनाती हुई नज़र आती है। और बाकी ये आपको देख सकते घर सेल में जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, अगर बात की जाए यहाँ पर देख लीजिए माइक्रोवेव हो गया, मिक्सर हो गया, तो जूसर मिक्सर हो गया, तो ये इस कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती हुई हमें नज़र आती है। तो इसलिए बताना चाहता हूँ ये कंपनी शायद आगे चल के और अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, और इन कंपनियों को अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्हें अगर देखिए वैक्सीन की क्वांटिटी अगर इंडिया की बात की जाए तो लगभग अगर सबको दो दो डोज भी लगेगी तो दो अगर बात की जाए 135 CR यहाँ पर लोग रहते हैं, तो अगर हम बात करते हैं लगभग 270,000 ओके 275 करोड़ यहाँ पर वो वैक्सीन लगेगी सबको। अगर इस तरीके से अगर एक एवरेज निकाला जाए तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा कि जो ये ग्लास बनाते हो वैक्सीन बनाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है कंटेनर की तो रखने के लिए, तो ये कंटेनर यही कंपनी बनाती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए यहाँ पर इनकी सेल आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा HSIL एज वेल एज अगर बात की जाए यहाँ पर बोरोसिल। एक बार इनके फंडामेंटल देख लेते और देखते हैं कि कंपनी कौन सी अच्छी है। देखिए HSIL जो कंपनी है ओके मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप कंपनी है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे रखना। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 0.74% का यहाँ पर डेट भी है, और अगर बात करें कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है। ROC की बात करें 6% का ROC है। तो कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड यहाँ पर देख लीजिए एक्सपेंडेड टू ग्लास बॉटल्स जिसकी बात कर रहा हूँ एंड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग 1972 बाय द एक्विजिशन ऑफ, मतलब यहाँ पर काफ़ी सी सारी चीज़ें इस बार को आप पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। देयर बिल्डिंग प्रोडक्ट डिवीजन प्राइमरली कंपैरिजन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हम सीधे फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल्स अच्छे खासे थे, फिर उसके बाद गिरावट हुई, फिर दोबारा यहाँ पर पीक पकड़ा, तो शायद इस बार क्या किस तरीके के रिजल्ट आएंगे वो हम चीज हमें देखनी पड़ेगी। एज वेल एज अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट 24 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट था, जो कि अगर बात करें 36 करोड़ रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट दोनों सेप्टेम्बर और दिसंबर क्वार्टर में आया है। अभी इनके रिजल्ट भी आने वाले हैं तो ये कंपनी और ज़्यादा भागती हुई नजर आएगी, तो इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। सेल्स की बात करें तो मार्च 2020 तक अच्छे खासे सेल्स थे, उसके बाद थोड़ी गिरावट आई, बट अब जिस तरीके से लोग अपनी नॉर्मल बैक टू लाइफ आ रहे हैं एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर परचेजिंग ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी, और जिस तरीके के ऑर्डर इन्हें मिले हैं तो ये कंपनी दोबारा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगी और ये अच्छे खासे रिजल्ट भी देती हुई नज़र आएगी। तो इन कंपनियों की तरफ आपको नज़रें बना के रखनी है। और रिजर्व्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1239 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जो कि 240 करोड़ से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी बोरिंग कंपनी का बोरिंग है, बट धीरे धीरे बोरिंग कम कर रही है कंपनी। 1230 थी, फिर 875, फिर 995, फिर 930, तो कंपनी बोरिंग भी थोड़ी कम करती हुई नज़र आ रही है। बाकी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है, और कैश की बात करें कंपनी ने 99 करोड़ रुपये का कैश भी है, ट्रेड रिसीवेबल भी अच्छा खासा है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी है 60.24, FIIs की बात करें 4.86, DIIs की 3.25, और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 31% की हिस्सेदारी है, बट इसमें भी यहाँ पर अगर आप ये चीज़ ये निकाल देंगे HNIs की तो आपको पता चलेगा पब्लिक बस और कम हिस्सेदारी है। तो ये तो होगी हिंडवेयर की बात, HSIL की बात। इसके अलावा अगर बात करते हैं दूसरे कंपनी की बोरोसिल की, तो ये थोड़ी और ज़्यादा मतलब मार्केट कैपिटल इसका उससे ज़्यादा है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। 2636 करोड़ रुपये की ये कंपनी नज़र आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबोरेटरी ग्लासवेयर ये बनाती हुई नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी की तरफ HSIL से
ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके प्रोडक्ट शायद मुझे ज़्यादा इफ़ायती लगते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो डेट फ्री कंपनी भी है, तो इसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कंपेयर देन दैट कंपनी HSIL। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हिस्ट्री भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है, स्टिल यहाँ पर देख लीजिए हिस्ट्री भी ज़्यादा नहीं है और कंपनी भागती हुई नज़र आएगी आगे बढ़ने वाले टाइम में। अगर बात करते हैं यहाँ पर देख लीजिए सेल्स, 112 करोड़ की सेल्स 190 करोड़ की, मतलब इंक्रीजिंग बैनर में है और सबसे ज़्यादा सेल्स होती हुई नज़र आई है। नेट प्रॉफिट देखिए सबसे ज़्यादा होता हुआ इस बार नज़र आया है। एज वेल एज अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो सबसे ज़्यादा मार्च में सबसे ज़्यादा सेल्स थी, उसके बाद पिछले 12 महीने में 489 करोड़। इस बार भी रिजल्ट अच्छे खासे आते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि मार्केट सबसे ज़्यादा ओपन होती हुई नज़र आई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर तो देखिए सीधा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कोविड का, ओके, इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी ज़्यादा परफॉर्म करेगी और इसे ऑर्डर भी शायद ज़्यादा मिलते हुए नज़र आएंगे। अभी ऐसा कुछ रिवील हुआ नहीं है कितने ऑर्डर मिले, न्यूज़ आएगी आप ध्यान देते रहिएगा, फिर आपको एक बार आइडिया हो जाएगा। रिजर्व्स बढ़ते हुए नज़र आए हैं, कंपनी ने अपने आप को डेट फ्री कर लिया है। इन्वेस्टमेंट देखिए 186 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है। सॉरी, कैश की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 21 करोड़ रुपीस का यहाँ पर कैश भी है। और अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी सबसे अच्छी है। यहाँ पर देखिए 70.46%, FIS की बात करें 2%, OKDIS की बात करें 0.27%, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर HNIS की जो 2.46%, बाकी 25% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग नज़र आ रही है। तो इस कंपनी की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं, बोरोसिल मुझे ज़्यादा कंपनी ये वाली अच्छी नज़र आई है। बाकी और भी इस कंपनी के बारे में स्टडी करिएगा और उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। तो ये कंपनी यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है, बाकी ये कंपनी भागी बहुत है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुकी है। HSIL की बात करें 50 रुपये का शेयर देखिए कितना भागा है। और यहाँ पर बोरोसिल की बात करें, बोरो लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए वॉल्यूम भी नज़र आ रहे हैं, तो ये कंपनी और ज़्यादा तेज होती हुई नज़र आ सकती है फ्यूचर में। तो अपने सब ड्यू डिलीजेंस करके ही थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।